बिहार में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया गया है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जो आदमी 17 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी का पूरे बिहार में ही विस्तार नहीं कर सके, देश में वो क्या कर लेंगे। अरे बिहार में है आप, पहले बिहार के लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, कौन सा रोल मॉडल आप लेके जाना चाहते हैं देश में। खुद 13 यात्रा करके बिहार का 13वीं तो कर चुके हैं वो। तो अभी हमारे बीच है लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी, इनसे तमाम चीजों पर जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट ये क्या है, जो चिराग यात्रा निकाले हैं, साल दो साल हो गया है, ये क्या है, इसको प्रतिक्रिया कीजिए आप। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आदरणीय चिराग पासवान जी के मेहनत का एक 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 विजन है उनका, और वो बिहार में जो पिछले 40 साल से विभिन्न क्षेत्रों में डिटोरिएशन हो रहा है लगातार, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य नौकरी का मामला हो, तो उसमें एक एक चीज को समाज में एक एक लोगों की समस्याओं को जोड़ करके एक 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 पुस्तक के रूप में उन्होंने बनाया है, और जो कि क्षेत्रीय रूप में जो जरूरत है, मगध के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, कोसी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, सारण शाहबाद के एरिया में क्या समस्याएं हैं, तो उन सभी जगहों को ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये एजुकेशनल सभी चीजों को समाहित करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लागू करेंगे, ताकि बिहार भी अन्य राज्यों के तरह अगले पंक्ति के में आए। अभी बिहार में वर्तमान में नीतीश जी का राजनीतिक घूर विरोधी अगर कोई जाने जाते हैं तो चिराग जी हैं, इनसे हम तमाम चीज पर बात करेंगे। अभी समाधान यात्रा नीतीश जी निकाले हुए, जातीय जनगणना शुरू हो चुका है बिहार में, तो पहले जातीय जनगणना को आप कैसे देखते हो, आपकी पार्टी कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया है, होना भी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना अगर नहीं होगा तो सरकार के द्वारा कई ऐसे जातियां या उपजातियां या कई ऐसे समूह हैं जिनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें कितनी राशि आवंटित की जाए इसका कोई अभी तक हम लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, बिहार पूरे देश में जाति धर्म की राजनीति के लिए जाना जाता है कि पूरा यहाँ जातीय समीकरण पर राजनीति होता है, इसलिए विकास जो है मूल चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, सब छूट छूटता जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना और जातीय बढ़ावा होगा और जाति धर्म का राजनीति? इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार इनके जो विजन है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उसमें सब कुछ संकलित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना करने का फैसला किया, इसके पहले उन्होंने शराबबंदी का फैसला किया, उसमें भी हम लोगों ने उनको समर्थन किया है। विपक्ष में रहते हुए भी यदि कोई मुख्यमंत्री जी कदम उठाते हैं तो उसका विपक्ष में होते हुए भी हम लोग नैतिक समर्थन या कहिए कि सामाजिक समर्थन पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह दिशाहीन हो जाता है। आज के समय में सर्वदलीय उनको बैठक करनी चाहिए थी शराबबंदी पे, जहां पर सैकड़ों मौतें हो रही हैं, हजारों मौतें हो रही हैं, लोग निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, तो उस पर वो समीक्षा नहीं करते हैं। हमने इसलिए समर्थन किया जातीय जनगणना पर, लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता था कि सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाते और मीटिंग बुला के बिहार के लोगों को, सभी राजनीतिक दल के लोगों के नेताओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेके कि हम क्या करेंगे और उससे क्या लाभ लोगों को मिलने वाला है, इसकी जानकारी तो उनको देनी चाहिए थी, लेकिन उनमें इस चीज की कमी है। हिटलर शाही से वो राज चलाते हैं, वो किसी को बताते नहीं है। अब इसका भी हाल कहीं शराबबंदी के जैसा न हो जाए, इस बात का अंदेशा तो आज भी है। 24 के लिए आरजेडी का भी कुछ नेता समर्थन कर दिए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, नीतीश जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, आपका 24 में क्या स्टैंड रहेगा और चिराग जी लोकसभा चुनाव बिहार में कैसे लड़ेंगे? देखिए, 2024 के चुनाव जो है निश्चित तौर पर हम लोग उस समय किसके साथ गठबंधन होगा वो आप लोगों से शेयर कर देंगे, यह विषय जो है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया गया है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जो आदमी 17 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी का पूरे बिहार में ही विस्तार नहीं कर सके, देश में वो क्या कर लेंगे। दूसरी बात ये रही कि वो गए इसके पहले भी विपक्ष के एकता के नाम पर, तो जब वहां जाने के बाद उनको कोई नेता ने भाव नहीं दिया, कोई ऐसी हवा आई कि नीतीश जी के लिए कोई पक्ष में बोल रहे हैं, वहां भी नहीं मिला, फिर ये घुटने के बल कह रहे हैं कि हम जाएंगे दौड़ के। एक बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, 2014 में उनको 16 सीटें थी लोकसभा की, और वो फिर गए थे विपक्षी एकता के लिए,
और प्रधानमंत्री बनने का वो उन्होंने भी एक अपना वो दिखा था विजन, लेकिन पूरे विपक्ष में एकता नहीं बना पाए और अंततः उनको फिर 3 सीट पर 19 में आना पड़ा। तो पहले तो विपक्ष में वो भी नेता है चंद्रबाबू, उनसे जाके नीतीश कुमार जी को पूछना चाहिए कि आपसे क्या चूक हो गई थी। अरे बिहार में है आप, पहले बिहार के लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, कौन सा रोल मॉडल आप लेके जाना चाहते हैं देश में? शराबबंदी रोल मॉडल है, शराबबंदी रोल मॉडल है, और मतलब कि सुशासन जो कहते हैं सुशासन की सरकारें सब रोल मॉडल। तो आपका कैमरा सब कुछ देखता है, आप लोग रोज न्यूज में देते हैं कि शराबबंदी कितना सफल मॉडल है और कानून समाधान यात्रा निकाले हुए हैं, खुद 13 यात्रा करके बिहार का 13वीं तो कर चुके हैं वो। अब कौन सा 17 साल में जिस व्यक्ति से कोई समाधान नहीं निकला हो, इस समय क्या समाधान निकलना है, वो तो समय पास करते हैं, समय पास करते हैं। ये थे धीरेन्द्र मुन्ना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इन तमाम चीजों पर बात किए। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे थे मघी आवाज में सन्नू, धन्यवाद।